सवाल लेंगे, राहुल गांधी का जो रिबॉर्न हुआ एज अ एलओपी, कैसे देखते हैं आप? नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इम्पैक्ट उसका? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए, तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फ़ायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी की, उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, इंदिरा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय 154 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था, और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय